हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के जेई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पूछा है, ये अप्रैल 11, 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज, मतलब ये वीटी ग्राफ दिया है। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, और इसमें पूछा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, इस वीटी ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है कहां तक इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन। ये टाइम है इस तरफ और वेलोसिटी है इस तरफ। ठीक है, 0 से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। यहाँ पे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो जो ये वीटी ग्राफ है इसका एरिया भी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन उसके बाद वो नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब वीटी ग्राफ में अगर कोई ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस है इधर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में वो वापस लौट के आ रहा है। पहले गया 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 यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर वो नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी गया, मतलब कि वो वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग बोले एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, ठीक है, ये अगर कोई डिस्टेंस एक्स है, ठीक है ना, यहां से यहां तक, और कोई एक पार्टिकल ए से बी गया, है ना, ए से बी गया, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के लिए यहां से वापस आ गया। ठीक है, मान लिया कि इतना वापस आ गया, सी तक वापस आ गया, और मान लिया इसका दूरी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मान लिया कि इसका दूरी वाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजिशन वेक्टर, मतलब कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। पहले ए पर थे, अब कहाँ पे है, सी पे है, क्योंकि बी से वापस सी पे आया है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें, एक्स गया, ठीक है, वाई वापस आ गया, तो एक्स माइनस वाई, है ना, यही हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पूछे कि डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है चेंज इन पोजिशन वेक्टर, लेकिन डिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस जितना दूरी तय किया उतना ही होगा। ठीक है, अगर यहां से यहाँ गया, वापस गया, फिर वापस जाता, तो वो और भी जुड़ जाता। ठीक है, डिस्टेंस में क्या कि हम लोग घटा दिए, क्योंकि चेंज इन पोजिशन वेक्टर हम लोग को निकालना था। और डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गया फिर वाई भी गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। पहले इसका बड़ा, ठीक है, वेलोसिटी बड़ा 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 बड़ा, फिर वो नीचे गया नीचे गया नीचे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला था, जहां पे यहां से यहाँ गया, उसमें अगर ये नेगेटिव वाला जो नीचे गया, अगर उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव जो एरिया, यानी कि ए से बी वाला जो अभी हम समझाए, ए से बी तक जो गया, और उसके बाद बी से सी अगर इसको घटा दिया, एक्स माइनस वाई, ये वाला एरिया अगर इसमें घटा दिया, ये वाला जो एरिया है, अगर इसमें ये वाला एरिया घटा देंगे, तो हम लोगों को इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस में क्या करना था, इसमें टोटल जो है वो जोड़ना था, तो इसमें अगर ये वाला एरिया में ये वाला एरिया जोड़ देंगे, तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल जाएगा, और उसका रेशियो हम लोगों को चाहिए कहां तक, 25 सेकंड तक। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अगर इसको बांट दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सिंपल एरिया, तो इसको मान लिया कि इसको एरिया मान लेते हैं हम लोग ए वन। ठीक है, ये वाले को ए वन माना, ये वाले को ए टू माना, ये वाले को ए थ्री माना, ये वाले को ए फोर माना, और ये वाले को ए फाइव माना। ठीक है, मान लिया, तो ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव,
अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजिशन वेक्टर, हम लोग को ए वन में ए टू जोड़ना होगा, ए थ्री जोड़ना होगा, ए फोर जोड़ना होगा, जितना इसका जोड़ आएगा उसमें अगर हम लोग ए फाइव घटा दे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे होगा? सिंपली पांचों को जोड़ देंगे, ठीक है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो सिंपली पांचों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग ठीक है एरिया वन निकालते हैं, ठीक, एरिया वन, एरिया वन, ओके। एरिया वन इसका सिंपली कैसे निकलेगा? ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका हाइट हो गया 10, ठीक है, ये वाला 10 हो गया। इसको लिख देते हैं हाफ इंटू बेस टू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया, ठीक है, हाइट तो 10 है, बेस इसका 5 हो गया, ये वाला इस ट्रायंगल का बेस 5 हो गया, इंटू हाइट की बात करें हाइट इसका 10 हो गया, ठीक। तो उसका एरिया कितना निकल आ गया? 5 5 25, ठीक है, 25 आ गया। ए टू का एरिया अगर निकालेंगे हम लोग, तो ए टू को अगर ध्यान से देखें तो ठीक है, ये एक आयत बन रहा है, ठीक है ना, रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का कितना होता है? ये इसका दोनों साइड का जो भुजा होता है उसका गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5 और 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 इंटू, और यहाँ से यहाँ क्या है, 10 बराबर 50, ठीक है। ठीक है, ए थ्री का कैसे निकालेंगे? ए थ्री वाला दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, इस रेक्टेंगल का, और उसके बाद इस त्रिभुज का एरिया निकाल के उसमें जोड़ देंगे, तब हम लोग को आ जाएगा। या फिर एक समलंब चतुर्भुज अगर आप देखेंगे, इसका इंग्लिश हमको नहीं पता, सॉरी, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होता है अगर हम लोग ए थ्री का एरिया निकालेंगे? ए3 बराबर, तो उतना ही आ जाएगा, 5 50, ठीक है, 10 5 5 25, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू, हाफ इंटू जो समानांतर भुजाएं हैं उसका जो तो योग होता है, ठीक है, समानांतर भुजा ये है, इंटू 10 10, और ये वाला है कितना, 20, इंटू इसका जो हाइट होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट हाइट। तो ए3 इस तरफ कितना हो जाएगा? ये वाला 5 हो जाएगा। या फिर एक और तरीका था, अगर ये वाला इसका निकालते एरिया, ठीक है, इसका एरिया भी 50 निकल के आता और इसका एरिया निकाल लेते और उसमें जोड़ देते तो आ जाता, ठीक है। तो हाफ इंटू 30 इंटू 5 बराबर 75, ठीक है, 75 यहां से भी आता, यहां से इसका 50 आ जाता, और इधर इस वाले का आप त्रिभुज निकाल के, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाता 5, इंटू हाइट हो जाता 10, 10 से 2 को काटते 5 होता, 5 5 25, और नीचे था 50, 50 और 25 अगर को जोड़ते तो 76 आ जाता, ठीक है, 76, ठीक है। ए फोर का निकालेंगे, अगर ए फोर का निकालें तो ए फोर भी एक त्रिभुज है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है देखिए, ये 15 से 20 गया, 5 इंटू अगर हाइट हम लोग देखें, हाइट कितना हो जाएगा इसका, 0 से 20 गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है 0 से 20, तो क्या आ जाएगा, 10 बटा 50, इसका भी आ गया 50, ठीक है। और ए फाइव का अगर हम लोग निकालेंगे, ये ध्यान रखना होगा कि भले ही यहाँ पे -20 है, लेकिन किसी भी जो कोई किसी का भी जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे -20 तो इसका जो है वो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 20 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ए फाइव ये भी एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, अगर इसको सीधा करके देखेंगे तो बेस 20 से 25 आ जाएगा, 5 इंटू, और अगर हम लोग देखें इसका हाइट, हाइट हो जाएगा ये वाला 0 से -20,
-20 नहीं लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एरिया हम लोग को पॉजिटिव में ही रखना है, ठीक है, तो 20 ले लेंगे, ठीक, 20, तो इसका भी आ गया 50, है ना, इसका भी आ गया 50, तो A1, A2, A3, A4, A5 का हम लोग को एरिया पता चल गया, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, सबको जोड़ देंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4 तो निकालेंगे ये पॉजिटिव वाला, लेकिन A5 घटा देंगे, A5 नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वापस लौट के आ रहा है, तो हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग को वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ठीक है, अगर हम लोग जोड़े क्या हो जाएगा, A1, A1 कितना निकला, 25 प्लस A2 50 प्लस A3 75 प्लस A4 50, ठीक है, प्लस A5 भी 50, तो ये आ गया हम लोग का 75, 25, 100, 100, 200, 250, ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया हम लोग का 250, ओके। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट लोग जोड़ेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इतना तो जोड़ेंगे ही, ठीक है, A5 घटा देंगे, ठीक है, तो ये यहां से यहाँ कितना रहेगा, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50, ठीक है, इतना में माइनस A5 का एरिया 50, ठीक है, तो यहाँ कितना रहेगा, 75, 25, 100, 200, ठीक है, 200 माइनस 50, बराबर 150, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया हम लोग को कहां तक का, 25 सेकंड तक का, तो हम लोग को उसका रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कहां से कहां किसका किसका चाहिए भाई, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, इसके बराबर डिस्टेंस निकाला हम लोगों ने 250, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 150, ठीक है, ये कटा, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 5 बार में, तो ये आ गया हम लोग का 5:3, ठीक है, 5:3 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, 2023 का क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, ये भी 2022 में आया हुआ, ठीक है, टू बसेस पी एंड क्यू, दो बस है पी और क्यू, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है, किसी पॉइंट से लोग एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, ठीक, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपी, ठीक है, पी का जो रिप्रेजेंट, पी का जो पोजिशन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है एक्सपी से, ये टी ब्रैकेट में, टी मतलब कि टाइम के टर्म में, ठीक है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू, यानी कि क्यू का जो पोजीशन है ये भी टाइम के टर्म में दिया हुआ है, टी ब्रैकेट में, यानी कि टाइम के टर्म में है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर
व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, मतलब पूछा है कि दो बस जो है वो एक पॉइंट से चलना शुरू किया और एट द सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एक ही समय से स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया और एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और पोजिशन इनका पी का पोजिशन है एक्स पी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और क्यू का पोजिशन है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ये टी क्या है टाइम के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और पोजिशन दिया हुआ है एक्स पी, टाइम और पोजिशन दिया हुआ है, हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, टाइम और, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है क्या, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन एक्स, ठीक है, हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अगर याद करें तो वेलोसिटी को वी से दर्शाया जाता है और वी का फॉर्मूला होता है डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स और टी का हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी इसको वी से हम लोग दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम लोग को पूछा है कि एट व्हाट टाइम द बसेस सेम वेलोसिटी पूछा है कि कौन से टाइम पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखें आप लोग को इस तरह के टर्म में दिया हुआ है अल्फा माइनस एफ अल्फा प्लस एफ, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, अगर दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सेम है तो हम लोग को उससे कंपेयर करके निकाल के हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, टी के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग डीएक्स अपॉन डीटी का इस्तेमाल करेंगे वी निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले बस पी का वेलोसिटी निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर बस क्यू का निकालेंगे और दोनों का हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, उससे हम लोग का टी निकल के आ सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई इतना एंड इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई लिख लेते हैं साइड में, पी बस का जो पोजिशन टाइम के टर्म में दिया हुआ है वो क्या है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और क्यू का जो दिया हुआ है टाइम के टर्म में वो क्या है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ओके, ये दिया हुआ है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लोग को एक्स भी पता है और यहाँ पे इसका टी के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं पहले पी का निकालते हैं, ठीक है, पी का निकालते हैं, फोर फोर बस पी, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वी निकालेंगे तो इसको किससे डिनोट करें, वी पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी बस पी, ठीक है, वी पी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी होता था इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे डी है, एक्स क्या है एक्स पी है, ठीक है, समझ में आया ना, ये एक्स पोजिशन होता है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एक्स पी क्यों, क्योंकि एक्स का जो एक्स जो पोजिशन था है ना पी का, वो एक्स पी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स पी दिया हुआ है ये वाला, तो बाय डी टी। तो अगर हम लोग निकालेंगे डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डी अपॉन डी टी, एक्स पी क्या है, एक्स पी हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा टी, प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो टी के टर्म में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा टी का टी से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, अल्फा बच जाएगा प्लस अगर हम लोग बीटा टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे बीटा का तो बीटा रह ही जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस ये टू आगे आ जाएगा और टी का टी ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, टू बीटा टी, टू बीटा टी, ये आ जाएगा हम लोग का वीपी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बस पी।
हम लोग एक काम करते हैं, पी का निकाल लिया तो क्यू का भी निकाल लेंगे। फोर प्लस क्यू, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी क्यू से डिनोट कर देते हैं इसको, इसका वेलोसिटी। तो डी एक्स अपॉन डी टी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। एक्स क्यू का मान क्या देवा है, टी माइनस, टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ टी, तो टी का टी से डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टी, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो 2 टी ही रहेगा। ठीक है, तो लोगों को वेलोसिटी पता चल गया किसका, पी का और क्यू का। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, बस पी का निकल गया हम लोग का वेलोसिटी, बस क्यू का निकल गया हम लोग का वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बोला है कि सेम वेलोसिटी कब होगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी पी का वैल्यू जो है, वीपी का वैल्यू वी क्यू के वैल्यू के सेम कब होगा, तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो नाउ वीपी बराबर ए क्यू, हम लोग को एट व्हाट टाइम चाहिए, टाइम यानी कि टी चाहिए। ठीक है, तो वीपी हम लोग ने निकाला कितना, अल्फा प्लस 2 बीटा टी, 2 बीटा टी इक्वल टू वी को, वी क्यू क्या निकाला, एफ माइनस 2 टी, एफ माइनस 2 टी। तो हम लोग को टी चाहिए, तो टी को एक साइड लेके आएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 बीटा टी माइनस 2 टी था, तो यहाँ पे प्लस 2 टी आ गया बराबर, इधर एफ था, अल्फा इधर प्लस में था तो वहां जाके माइनस में आ जाएगा, अल्फा माइनस, हाँ तो एफ माइनस अल्फा, तो यहाँ से भी एलिमिनेट कर देंगे सीधा सीधा। देखिए एफ माइनस अल्फा आ गया, तो ये वाला डी हम लोग टिक कर देंगे, लेकिन तब भी देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग 2 टी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं, 2 टी कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। ठीक है, तो 2 टी बराबर क्या जाएगा, एफ माइनस अल्फा फॉन बीटा प्लस 1। लोग को टी चाहिए, तो टी यहाँ पे 2 से गुना था, वहां 2 से भागा हो जाएगा, तो एफ माइनस अल्फा 2, वहां से भागा हो गया 2 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ये चौथा वाला, एफ माइनस अल्फा, एफ माइनस अल्फा बाय 2 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को सेम वेलोसिटी पूछा था, तो हम लोगों ने क्या किया, वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी ऑफ पी निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ क्यू निकाल लिया इंस्टेंटेनियस, फिर जाके हम लोगों दोनों ने दोनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि हम लोग को सेम वेलोसिटी चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय वी इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24 एक्स मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को वेलोसिटी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, इज गिवन बाय वी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24 एक्स मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में दिया है, वेलोसिटी दे दिया, अब बोला कि भाई तुम एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या दिया हुआ है, अंडर रूट, फाइव थाउजेंड प्लस 24 एक्स, और एक्स बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, ए चाहिए हम लोग को,
एक्सेलरेशन सही है। तो ए हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तीन फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, यू तो पता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यू पता है कि इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी था वो क्या था, वो पता ही नहीं है हम लोगों को, तो वी बराबर यू प्लस ए टी भी नहीं लगा सकते। अगर हम लोग सोचे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी यू आ रहा है, वहां पे तो हम लोग को यू पता नहीं है, ठीक है, वहां से भी नहीं निकाल सकते। अगर हम लोग सोचते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वहां पे भी यू आ रहा है, हम लोग को यू पता ही नहीं है, तो हम लोग वहां से भी नहीं निकाल सकते, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वी इंटू डीवी बाय डीएक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, वी इंटू डीवी बाय डीएक्स। वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डीवी बाय डीएक्स क्या होता है, वेलोसिटी का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे वी पता है, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट और डीवी बाय डीएक्स हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 24x है, इसके टर्म में ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है वी इंटू डीवी बाय डीएक्स। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को तो वी पता ही है, ठीक है, वी पता है हम लोग को, डीवी बाय डीएक्स पहले निकालना पड़ेगा, डीवी बाय डीएक्स निकालेंगे उसको वी यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डीवी बाय डीएक्स निकालते हैं, तो वी बराबर इतना है अंडर रूट 5000 प्लस 24x, तो डी बाय dx, अगर हम लोग v के इसमें निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5000 प्लस 24x की पावर 1/2, लिख सकते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, dv बाय dx। तो जो ये 1/2 था डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा 1/2 सामने आ जाएगा इनटू, अगर हम लोग, हाँ तो इसके आगे ये 1 है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5000 प्लस 5000 प्लस 24x, 1/2 सामने आया, तो इसको से हटाना पड़ेगा, सी पावर 1 माइनस 1/2, ओके, ठीक है, यही है ना। और यहाँ पे इसका टर्म आ गया, अब एक्स के टर्म में 24x क्या आ जाएगा, इंटू 24, ओके, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू इसकी पावर 1 माइनस 1/2, तो किसी की पावर -1/2 होगा, 1 बाई किसी की पावर 1/2 जो होता है अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है इसका रूट, ठीक है, और -1/2 यानी कि उसका रूट को रेसिप्रोकल कर देंगे अगर हम लोग, तो 1 बाई में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इसकी पावर -1/2 अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5000 प्लस 24x, ठीक है, इसकी पावर 1/2 ये वाला, लेकिन -1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इंटू 24 इसका आ गया, तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे काटेंगे 12, तो क्या आ गया, यह आ जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट 5000 प्लस 24x, तो इसका डीवी अपॉन डीएक्स जो है इसके बराबर आ गया 12 बटे अंडर रूट 5000 प्लस 24x। हम लोग का डीवी बाय डीएक्स आ गया, अभी हम लोग को पता है, और डीवी बाय डीएक्स हम लोग निकाल सकता है, ए बराबर वी इंटू डीवी बाय डीएक्स, तो वी वी क्या है, अंडर रूट 5000, 5000 प्लस 24x इंटू, अभी डीवी बाय डीएक्स क्या निकाला हम लोगों ने, 12 बटे अंडर रूट 5000 प्लस 24x। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक
तो ए बराबर मेरा आ गया कितना, 12। बराबर हम लोग आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर वी इंटू डीवी बाई डीएक्स के फॉर्मूले लगाकर हम लोगों ने डीवी बाई डीएक्स निकाला पहले इसका, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट पे, और उसके बाद इसको वी से गुणा कर दिया, तो हम लोग का ए आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। ठीक है, कोई बोला है कि एक बुलेट है, ठीक है, और कोई लकड़ी का ढांचा है, मान लिया, ठीक है, वुडन ब्लॉक लकड़ी का ढांचा है, उसमें कोई बुलेट घुसता है, ठीक है, उसमें घुसता है और क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अंदर जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3, जो लकड़ी के इसमें ढांचे में घुसने से पहले जो उसका वेलोसिटी था उसका 1/3 हो जाता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी चीज में अगर कोई भी चीज अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसका वेलोसिटी घटेगा, क्यों, उसका रेजिस्टेंस लगता है उस तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस लगेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा। बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक अज्यूमिंग दैट द बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका सेम है कि मतलब कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि आप उसमें कहीं भी जाएंगे तो वो रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द ब्लॉक द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4+x सेंटीमीटर इन साइड द ब्लॉक। 4+x सेंटीमीटर, पहले तो 4 सेंटीमीटर गया ही, प्लस एक्स और गया, ठीक है, भीतर और गया। बोला है कि अगर 4+x सेंटीमीटर जाते हैं तो जाते जाते क्या हो जाता है, बुलेट रुक जाता है, ठीक है, धसते 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 उसका जो बुलेट का वेलोसिटी है वो तो कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक जगह जाके वो रुक जाएगा। तो ये बोला है कि 4 सेंटीमीटर पहले गया और दूसरे सिनेरियो में 4+x सेंटीमीटर गया, और 4+x सेंटीमीटर जाके वो एकदम से रुक गया वो बुलेट। तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो हम लोग पहले ये बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। मान लिया कि ये वाला कोई एक वुडन ब्लॉक है, बड़ा करके ही बनाते हैं ना, मान लिया कि कोई बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है ना, और ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसको मान लिया हम लोगों ने, ये बुलेट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ गया, और 4+x सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, ऐसे 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 इसको एक्स मान लिया ना। एक्स सेंटीमीटर ये वाले को, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इसको लिख देते हैं, ये ए ये बी ये सी ना, ठीक है, यही तो बोला है, 4 सेंटीमीटर पहले गया फिर 1 सेंटीमीटर गया, तो बुलेट जो था 4 सेंटीमीटर गया फिर 1 सेंटीमीटर गया, तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी का गेम खेल रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3, तो हम लोग मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुलेट जो था पहले उसका वेलोसिटी जो भी था वो 4 सेंटीमीटर बाद 4 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद जो है उसका वेलोसिटी 1/3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग मान लिया कि लेट वेलोसिटी एट ए बराबर, ठीक है, ए बराबर यू मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया। ठीक है, हम लोग ए से बी तक का ही बात करते हैं पहले, ठीक है ना, ए टू बी तक का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए से बी 4 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है तब वहीं तक का बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेट वेलोसिटी एट ए बराबर यू, तो इसलिए वेलोसिटी एट बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 हो जाता है, पहले था यू यू माना था, अब 1/3 हो गया, यू बराबर यू बाई 3 हो गया है ना। तो ए से बी तक के लिए अगर हम लोग जाएंगे
तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे क्या है, एस एस यानी कि जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का, वो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं। तो ए पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी यू माना, तो इसको यू लिख सकते हैं, यू तो माना ही है, मान लिया, खैर ठीक है, तो नहीं इसको ना कुछ और मानते हैं, ठीक है, इसको कुछ और मानते हैं, एक्स मान लिया, ठीक है, इसको एक्स, एक्स माना ए पे, तो बी पे क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। तो ए से बी तक के लिए हम लोग अगर हम लोग जाएं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी, ए से बी तक का ही बात बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी तो वो तो ए से सी हो जाएगा, क्योंकि वो सी पे जाके रुक रहा है, लेकिन ए से बी अगर जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, यू और बी, ठीक है, समझ में आया, यू जो है वो एक्स के बराबर है, वी जो है x/3 के बराबर है, किसके सिनेरियो में, ए से बी तक के सिनेरियो में, एस बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वी है, यू है और एस है, एस यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ऑफकोर्स इससे हम लोग को एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग ए से बी तक का ही कर रहे हैं अब तक, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर यानी कि ए से बी तक का ही बात करें, तो एक्स एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, हम लोग को नहीं पता एक्सेलरेशन, इंटू एस, एस बराबर क्या है, ए से बी तक का टर्म में 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का बाद में देख लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स x/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x^2/9 इक्वल टू x² प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे 8a ना, 8a, तो इसको एक जगह लेके आते हैं, 8a बराबर क्या हो जाएगा, ये था इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x²-9 माइनस x²/9, सॉरी माइनस x², तो यहाँ पे 8a बराबर हम लोग देखेंगे 9 upon x² - 9x², ठीक है, ठीक है, यहां से तो यहाँ पे 8a बराबर x²-9x² आ जाएगा, माइनस 8x² / 9, ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 8 काट देंगे अगर हम लोग, तो a बराबर क्या आ जाएगा, -x² / 9, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके हिसाब से देख लेंगे, ए बराबर -x² / 9, ठीक है, ये हम लोग का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अब ए से सी चलते हैं, ठीक है, ए से सी चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ए से सी चलेंगे अगर हम लोग, तो वेलोसिटी एट ए हम लोगों ने माना था एक्स, ठीक है, यू बराबर एक्स माना था, ठीक है, और ठीक है, ए से सी जा रहे हैं आप, बी का कोई काम नहीं है, ठीक है, बी का कोई काम नहीं है, अब ए पे वेलोसिटी जो था यू इनिशियल वेलोसिटी, वो हम लोगों ने एक्स माना, सी पे वेलोसिटी, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वी इक्वल टू जो वेलोसिटी और एट सी होगा, यानी कि सी पे आके तो बुलेट रुक गया ना, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर ये एक्स सेंटीमीटर चला, ठीक है, स्टॉप कंप्लीटली, कंप्लीटली स्टॉप हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहीं भी जाके एक जगह जाके रुक गया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, a से c का बात कर रहे हैं, ठीक है, a से c का बात हो रहा है। अब s कैसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस देखिए, 4 सेंटीमीटर तो a से b इसका डिस्टेंस था, b से c का डिस्टेंस था x सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 + x, ठीक है, 4 + x, तो ये आ जाएगा 4 + x cm, ओके, फिर से ये लगाएंगे हम लोग, उसको a का मान पता चल चुका है, इसलिए फिर से ये लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर 2² + 2as,
ना, तो यहाँ पे v का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 बराबर एक्स स्क्वायर, यू का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू ए का मान अभी हम लोगों ने निकाला एक्सेलरेशन कितना था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, है ना, यही था, और एस का वैल्यू था 4 प्लस एक्स, ठीक है, ये इनटू में है, ये इनटू में है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, ओके, सब एक्स के टर्म में आ गया क्या, हाँ, यू स्क्वायर प्लस इतना प्लस इतना, ओके, तो हम लोग अगर इसको ऐसे लेंगे, है ना, इसको इस तरफ लेके आते हैं अगर, तो 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू, ये वाला जो टर्म था इसको एक जगह लेके आ गया, ये जो एक्स स्क्वायर था प्लस में था, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया इसका, ओके, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो अब क्या बचा इक्वेशन में, देखिए ना, 2x² / 9, इसको अगर गुना करेंगे 2x² / 9 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस काट दिया हम लोगों ने, तो अब हम लोग को एक्स ही चाहिए ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस एक्स रहने दिया इस तरफ, है ना, बराबर स्क्वायर, ये इंटू में था, उधर जाके क्या जाएगा, भागा में, भागा कैसे देंगे, 2x² / 9 था, वो उधर जाके पलट जाएगा भागा देने से, है ना, पलट जाएगा, तो ये 2x² / 9 था, तो इधर क्या जाएगा, 9 अपॉन 2x², तो x² कट गया, ठीक है, 4 प्लस एक्स आ गया क्या, 9 अपॉन 2, ठीक है, अब आसान हो गया, 4 प्लस एक्स बराबर 9 अपॉन 2 कितना होता है, 4.5 होता है, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4.5 - 4 और x बराबर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज 0.5 सेंटीमीटर, तो इस तरह से ऑप्शन में मीटर के टर्म में भी दिया रह सकता है, कोई ठीक नहीं, ठीक है, ऑप्शन में अगर मीटर के टर्म में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ए से बी तक का निकाला, ए से बी तक में एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसका एक तिहाई हो गया ये वेलोसिटी, तो हम लोगों ने ए निकाला, अब ए से सी गए, ए से सी गए, वहां पे भी वही फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे आराम से हम लोग का जाके एक्स निकल के आ गया, यानी कि जो ये एक्स होगा वो 0.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर जाएगा 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 जाएगा, उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर और चलेगा और जाके वहीं पे घस के रुक जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अगर हम लोग, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इन अ कार रेस, रेस आ गया, ठीक है, कार का रेस हो रहा है, ऑन स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी, दो कार का बात किया जा रहा है, एक कार ए है एक कार बी है, ठीक है, बोला कि कार ए टेक्स टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश, ठीक है, एट द फिनिश, यानी कि बोला है कि ए कम टाइम ले रहा है, कितना टी, यहाँ पे टी सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टी टाइम कम ले रहा है, ए ए कम ले रहा है टाइम किससे, बी से, यानी कि ऑब्वियसली बात है जो कम टाइम लेता है रेस में वही जीत जाता है, तो ए पहले पहुंचा होगा, ठीक है, और बी थोड़ा देर बाद पहुंचा होगा, ओके, एट फिनिश एंड पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद ए स्पीड, एट फिनिश पासिस फिनिशिंग पॉइंट विद ए स्पीड वी मोर देन अ कार बी, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना वो बी के वेलोसिटी से वी ज्यादा है, ठीक है, और बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए वन एंड ए टू, ए का एक्सेलरेशन दे दिया ए वन, बी का एक्सेलरेशन दे दिया ए टू,
रेस्पेक्टिवली देन द वी इज इक्वल टू डैश टू ए टू बाई ए वन प्लस ए टू टी 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 टी, यानी कि देखिए यहाँ पे टी 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 जो ये वाला टी था ना, ना जो ये वाला टी था उसी के टर्म में दिया हुआ है चारों ऑप्शन, ठीक है। वी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बोला है बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। स्टार्ट तो रेस्ट, रेस है तो सभी तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ना, नहीं तो फिर अगर कोई पहले स्टार्ट कर रहा था वो तो चीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन इतना एंड इतना, एंड वी इज इक्वल टू, पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लिया कि यहां से रेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से रेस स्टार्ट हुआ, चलता 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 यहां तक गया, ठीक है। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है ना, तो ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, और रेस यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ए टेक्स टाइम टी लेस, यानी कि कौन रेस जीत रहा है, यहाँ पे हम लोग को अंदाजा लगाना है कि जो कम टाइम ले रहा है वही ऑब्वियसली रेस जीतेगा, तो ए पहले जीत जा रहा है, ओके, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले लोग लिख लेते हैं। बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, यू बराबर जीरो है, रेस्ट बराबर यानी कि मतलब क्या होता है, यू बराबर जीरो है दोनों का, यू बराबर जीरो है, ओके, एंड ट्रेवल विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ए वन एंड ए टू, ठीक है। इसका जो एक्सलेशन है वो क्या है, ए वन है, और इसका जो एक्सलेशन है क्या है, ए टू है। ए का ए वन है, बी का बी टू है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, लेट अब ए जो है वो टी सेकंड कम ले रहा है या टी मिनट कम ले रहा है, जो भी है, ठीक है, किससे कम कम ले रहा है, बी से, यानी कि टी ए का जो टाइम है वो कम है, बी का टाइम ज्यादा है, ठीक है। ए का टाइम कम है और बी का टाइम ज्यादा है, तो इसको कैसे माने हम लोग, अगर हम लोग मान लिया कि ए जो है ए को टाइम लग रहा है, अगर हम लोग ए का टाइम माने, टाइम ऑफ ए इक्वल टू टी ए, ठीक है, टाइम ऑफ ए मान लिया कि ए को रेस कंप्लीट करने में टाइम ए लग रहा है, टी ए मान लिया इसको, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कम टाइम ले रहा है, ए टी सेकेंड या टी मिनट कम ले रहा है, ठीक है, तो बी उतना ही ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है। मान लिया कि दो रेस है, ठीक है, उसमें दो आदमी दौड़ रहा है, पहला आदमी 5 सेकंड कम ले रहा है दूसरे आदमी से, तो दूसरा आदमी पहले आदमी से 5 सेकंड ज्यादा ले रहा होगा, है ना, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे बी तो जो हम लोगों ने माना टाइम ऑफ ए टी ए माना, टी ए टाइम तो ले ही रहा होगा बी, और भी कुछ सेकंड उसको ज्यादा लगा पहुंचने में फिनिश लाइन में, तो प्लस कितना टाइम लगा, टी टाइम ज्यादा लगा उसको। यहाँ पे एक चीज मान सकते थे कि टाइम ऑफ बी अगर मान लेते कि टाइम बी को अगर हम लोग टी बी से मानते अगर, तो टाइम ऑफ ए हो जाता टी बी माइनस टी, ठीक है। अगर टाइम ऑफ बी को पहले मानते हम लोग, तो टाइम ऑफ बी को अगर हम लोग टी बी मानते, ठीक है, तो ए का टाइम क्या हो जाता टी बी माइनस टी, क्योंकि ए को कम समय लग रहा है, बी को ज्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए का समय माना और उससे बी का समय निकाल दिया इस तरह से, ठीक है, ये समझ में आया, टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी आ गया, ओके। तो अब क्या निकाल सकते हैं, हाँ टाइम हो गया, अब बोल रहा है कि स्पीड, स्पीड बोल रहा है, ठीक है, बी फिनिश एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद अ स्पीड वी मोर देन अ कार ऑफ बी, यानी कि ए का जो वेलोसिटी है ना बी के वेलोसिटी से वी ज्यादा है, ठीक है, ए का जो वेलोसिटी है बी के वेलोसिटी से बी ज्यादा है। अब बी क्या है पता नहीं हम लोग को, तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी मान लेते हैं, लेट कैसे मानेंगे, लेट वेलोसिटी ऑफ
बी इज इक्वल टू ना वेलोसिटी ऑफ बी वी जाता है। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी को कुछ मान लेते हैं ना, और वेलोसिटी ऑफ जो ए हो जाएगा वो इसे बी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी हो जाएगा। तो क्या माने क्या माने क्या माने, वेलोसिटी ऑफ बी मान लिया इसको, ठीक है, नहीं बी और ए अगर वो छोड़ते हैं, चलिए वी टू मान लिया। ओके ठीक है वी टू मान लिया। ओके है ना आसान हो जाएगा, ए बी से थोड़ा आसान है, तो यहाँ पे टी वन भी मान सकते हैं, ठीक है टी वन, टी वन ही मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है टी वन ही मान लेते हैं, ए को लगा टाइम वन, बी को लगा टाइम वन से कितना टी ज्यादा, तो टी टू मान लिया। ओके है ना, ए को लगा टाइम वन, बी को लगा टाइम टू, ए को जितना टाइम लगा वो टाइम वन था, बी को जो टाइम लगा वो टाइम टू था, लेकिन जो टाइम टू था उसका मान क्या निकल जाएगा, ए का मान था टी वन प्लस उसमें टी ज्यादा, क्योंकि वो 30 सेकंड बाद पहुंचा है। ओके वेलोसिटी ऑफ बी वी टू मान लिया, ठीक है वी टू मान लिया इसको, वेलोसिटी ऑफ बी को, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि बी से वी टू जाता है तो वी टू तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये वाला जाएगा इसको हम लोग ने माना बी पर, ठीक है वेलोसिटी ऑफ ए वी वन मान लिया, वेलोसिटी ऑफ बी वी टू मान लिया, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो वी टू के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो वी वन के बराबर है, और वी वन किसके बराबर होगा वी टू के बराबर तो होगा प्लस उसमें बी छोड़ जाएगा, क्योंकि जो ए का स्पीड या वेलोसिटी है वो बी बी ज्यादा है, ठीक है बी ज्यादा है, ठीक है किससे बी से, तो बी का जितना भी होगा वो ए में भी जुड़ जाएगा, ठीक है इस तरह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है ना, तो ए इतना है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको एस मान लेंगे अगर हम लोग, ठीक है एस मान लिया है ना। तो अब हम लोग को करना होगा, हम लोगों ने सब मान लिया है, यहां तक का पार्ट समझ में आया, यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था, ठीक है टी के टाइम पे लाना है, ठीक है टी ये वाला टाइम हम लोग को निकालना है, ओके वी इज इक्वल टू ये वाला वी निकालना है टी के टाइम में, ठीक है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम लोग, कौन कौन सा निकाल सकते हैं, हम लोग के पास वी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, तो ना एक मिनट, मामा बैटरी लो है चलो, एक हाथ से बैटरी लो, सदा तो ना ना बंद हो नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ हाँ ठीक, होना ना ना बेटा बीचे अच्छा मैं ही कर दूंगा, एडिटिंग करो ना, हाँ अभी सब लोग एडिटिंग करो तो देखना, ओ फुल ही ब्राइटनेस आता है ना, फुल ब्राइटनेस आता है तो चल हाँ से हाँ ना, तो इतना जल्दी बैटरी कर दो भाई, हम फुल चार्ज कर लिया, मुझे वीडियो देख लिया तो 8 घंटा चल सिर्फ आते देर 8 घंटा सब गेंजी वाला चला सुन वीडियो से, हाँ काटे दी बात हाँ वो सब तो ठीक है, तो कता रिकॉर्डिंग है अब तक 1 घंटा मोटामोटी होता चल नहीं अच्छा हाँ था, देख ले गूगल प्लस चल से भले ना, आज भी पता चले अभी थी जिगला चोल से वाला काउंट होवे कि ना, काउंट तो होना चाहिए बताइए, तो मेरी को चलना चाहिए चल से 20 टाक में जी आईडी की तारीख को ठीक है ना लगा ना हम्म। ठीक है।
ভালো একটু ধ্যান দিলে দেখি। ठीक है, तो इसको एस मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, इसको एस मान लिया। यहां तक का कोई कंफ्यूजन है? देख लीजिए, टाइम ऑफ ए हम लोगों ने टी वन माना, टाइम ऑफ बी टी टू माना, लेकिन टी टू किसके बराबर था? टी वन प्लस टी के, क्योंकि ए जो है उसे टी टाइम कम ले रहा था, तो बी जो है उसे टी टाइम ज्यादा लेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी वी टू माना, वेलोसिटी ऑफ ए वी वन माना, वी वन किसके बराबर होगा? वी टू प्लस वी के, क्योंकि जो ए है वो बी से वी ज्यादा है ना। तो अब हम लोग के पास बी भी है, यू भी है और टी भी है, तो हम लोग वी यू और टी से दो फॉर्मूला, वी बराबर यू प्लस ए टी एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम लोग देखेंगे तो वो कर सकते हैं, है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी कर सकते हैं, है ना। तो काम करते हैं यहाँ पे, वी बराबर यू टी का करते हैं ना। तो अगर हम लोग ए के लिए निकालेंगे, फोर ए तो ए का जो है वो क्या है, वी वन है ना। वी वन बराबर यू वन प्लस ए वन एंड टी वन, ठीक है, ये बड़ा हाथ का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यू वन प्लस टी वन, यू वन क्या है, जीरो है, ठीक है ना। वी वन बराबर जीरो प्लस ए वन टी वन, तो वी वन बराबर आ जाएगा ए वन टी वन के, ठीक है। फोर बी अगर निकालें हम लोग, वी टू जो बी का माना था ना, वी टू जो कि बी का माना था, बराबर यू टू प्लस ए टू टी टू, है ना, यही होगा। इसका भी यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस टी टू, टी टू टी टू किसके बराबर था, टी वन प्लस ठीक है ना, इंटू टी वन प्लस टी के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें, ओके देखते हैं, वी टू बराबर हो जाएगा ए टू इंटू टी वन प्लस टी, और इसको हम लोग खोल दें फिर से, तो वी टू बराबर ए टू टी वन प्लस ए टू टी, है ना, सही आ गया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोगों को वी वन भी पता है, वी टू भी पता है ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, कि वी वन जो है वी टू प्लस V के बराबर है, ठीक है ना। तो V किसके बराबर हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर वी वन माइनस वी टू, वी वन क्या निकाला, ए वन टी वन माइनस वी टू क्या निकाला, ए टू टी वन, ए टू टी वन प्लस ए टू टी, है ना। तो वी क्या निकल जाएगा, हम लोग को देखिए टी के टर्म में निकालना है, वी और टी के टर्म में निकालना है, तो हम लोग को टी थोड़ा अलग करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी वन और टी वन है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं कि अगर ए वन टी वन माइनस ए टू टी वन है, तो टी वन इससे क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। ए वन माइनस ए टू माइनस ए टू टी, टी टी वन और टी टू अलग अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है। और टी टू का वैल्यू टी वन प्लस टी है, यहाँ पे सही किया ना, देख लेते हैं, टी टू टी वन प्लस टी, ए टू टी वन प्लस ए टू टी, ओके।
तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्या, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब तो यहाँ से कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, यहाँ से कुछ अब कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग को दूसरे फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। हम लोगों ने v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी से किया, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। क्या हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस कर सकते हैं? तो ये भी पता है एस, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वी का वैल्यू इतना बड़ा आ गया है, तो वी स्क्वायर तो समझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस को रहने देते हैं, ठीक है। तो काम कर सकते हैं हम लोग, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर ले सकते हैं क्या? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू यहाँ पे 0 है, यू टी तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ ए भी है टी भी है। ओके, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ए जो है वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा, तो हम लोगों ने डिस्टेंस एस मान रखा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, हम लोगों ने एस मान रखा है, तो ए एस डिस्टेंस दूरी जो है वो तय कर रहा है। बी भी तो पहुंच रहा है ना, बी 30 सेकंड बाद पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच तो रहा है ना, तो बी भी एस दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे लोगों को एक बात पता चली कि जो ए ने एस डिस्टेंस तय किया वो भी बी ने भी किया है, ठीक है। तो एस ऑफ ए यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं ये वाला पेज पे, तो नाउ हम लोगों ने यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे v का मान हम लोगों ने निकाला है, v बराबर टी वन ए वन माइनस ए टू माइनस ए टू टी। तो यहाँ पे t के टर्म में तो है ही, ठीक है, यहाँ पे t इसका टर्म है ही, हम लोगों को टी वन हटाना है, ठीक है। हम लोगों को टी वन और ए वन और ए टू ये तीनों हटाना है, और ए टू टी तो उधर है ही, वी भी है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसमें, एस बराबर 1 मिनट, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ए भी एस डिस्टेंस तय करेगा और बी भी एस डिस्टेंस तय करेगा। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि एस ऑफ ए इज इक्वल टू एस बी, दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो ए के लिए क्या माना था हम लोगों ने, यू वन टी वन प्लस ऑफ ए के लिए माना था ए वन एक्सेलरेशन और टी वन का ए टी स्क्वायर, तो टी वन का स्क्वायर। ओके, बी के लिए क्या था, यू टू था टी टू था प्लस हाफ, बी का एक्सेलरेशन क्या था ए टू था, एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी बी का जो टाइम था वो क्या था, टी टू का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए यू तो दोनों का 0 था, दोनों ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, अगर बचा हाफ ए वन टी वन का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए टू टी टू का स्क्वायर। तो यहां से हाफ हाफ भी काट देते हैं, अच्छा रहेगा ना। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे टी वन को रहने दिया, टी वन से यहाँ पे क्या खेल सकते हैं हम लोग, अच्छा टी वन को टी वन ही रहने देते हैं ना, ए वन टी वन का होल स्क्वायर अवर ए टू टी टू, टी टू के साथ हम लोग एक खेल खेल सकते हैं क्या, टी टू जो था वो टी वन प्लस टी के बराबर था, है ना, टी वन प्लस टी के बराबर था, टी टू तो था वो टी वन प्लस टी के बराबर था, इसका होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, होल स्क्वायर तो कोई काम नहीं है, अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने गए तो बहुत फैल के चौड़ा हो जाएगा, है ना, कोई जरूरत नहीं इसका। एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर हटाना है हम लोगों को, है ना, स्क्वायर हटाना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो अंडर रूट कर देते हैं इसको, है ना।
अंडर रूट कर दिया, अच्छा रहेगा, सॉरी। यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ए वन टी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू टी वन प्लस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए वन का अंडर रूट अगर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए वन इंटू टी वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा टी वन, है ना, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए टू इंटू इसका होल स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा टी वन प्लस टी, है ना। अब ये आ गया, तो यहाँ पे टी वन के टर्म में आ चुका है और यहाँ पे टी भी आ जाएगा एक। ओके इसको लिखते हैं अंडर रूट ए वन टी वन, ये टी वन बाहर है रूट के, ठीक है, अंडर रूट ए टू, अगर हम लोग गुना करेंगे अंडर रूट ए टू टी वन प्लस अंडर रूट ए टू टी, ठीक है ना, आ गया ये वाला। तो टी वन और टी वन एक टी है और दो जगह टी वन है, तो टी वन को एक जगह लेके आएंगे अगर हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए वन टी वन, तो इस तरफ था, ये वाले को इधर लेके जाते हैं माइनस में, अंडर रूट ए टू टी वन को माइनस में लेके जाते हैं। बराबर क्या बच गया, अंडर रूट ए टू टी, है ना। यहाँ पे टी वन अगर कॉमन ले लेंगे, अगर हम लोग टी वन कॉमन लिया क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए वन प्लस टी वन कॉमन लिया अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू बराबर अंडर रूट ए टू टी, ना टी टी वन अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टी वन का अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो कैसा हो सकता है, टी वन का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, है ना। T1 को अगर हम लोग इस तरफ लेके गए ना, T इंटू टी वन इंटू अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू था और इधर अंडर रूट ए टू टी था, तो यहाँ पे अगर लगेंगे तो भागा चला जाएगा अंडर रूट ए टू टी अपॉन अंडर रूट, सॉरी ना, अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, ठीक है, यही आ गया हम लोग का। अब इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, भाई भाई हाँ, ये क्वेश्चन एक माना था हम लोगों ने, सी वन का वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन टू में निकाला, पुट करके देखते हैं ना, देखते हैं कुछ आता है। तो वी बराबर सी वन इंटू क्या था, v बराबर टी वन इंटू अंडर रूट ए टू माइनस ए वन माइनस ए टू, नाउ फ्रॉम टी वी का वैल्यू था टी वन, टी वन इंटू ए वन माइनस ए टू माइनस ए टू टी, ना ए वन माइनस ए टू माइनस ए टू टी था कुछ इस तरह से। तो अब वी बराबर टी वन का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन दो से, अगर हम लोग पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा बड़ा सा, अंडर रूट ए टू इंटू टी अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, ये टी वन का वैल्यू आ गया इंटू क्या ए वन माइनस ए टू,
माइनस ए टू टी। ओके तो वी क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर। यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो ये इसको अंडर रूट ए वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट ए टू का होल स्क्वायर। क्यों अंडर रूट ए वन का होल स्क्वायर, क्यों अंडर रूट ए टू का होल स्क्वायर, क्यों? यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बन सकता है, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए टू टी कॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस ए टू टी, ठीक है? अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी ये कट जाएगा, ना? अब क्या आ जाएगा, ये ए टू टी रूट ए टू टी ए वन ना, इस तरह से ए वन ए टू टी, ठीक है? इसको गुना करते हैं तब ये क्या था, बच क्या अंडर रूट ए टू टी इंटू अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए टू, ठीक है? इस तरह का यहाँ तक का पोर्शन आ गया माइनस ई टू टी। हम लोग को टी के टर्म में ही लाना था, तो टी वन से हम लोग टी के टर्म में लेके गए इसको, है ना? अब टी के ही टर्म में आ गया है, तो वी बराबर अगर हम लोग गुना करेंगे इसको तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए वन को अगर अंडर रूट ए टू टी से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए वन ए टू टी है ना, से गुना किया प्लस अगर अंडर रूट ए टू को अंडर रूट ए टू टी से गुना करेंगे तो अंडर रूट ए टू इंटू अंडर रूट ए टू, तो दो जगह अंडर रूट ए टू को गुना करेंगे तो ए टू आ जाएगा ए टू, और बच के टी ए टू टी माइनस ए टू टी, ए टू टी आ गया। देख लीजिए काफी मेहनत मशक्कत के बाद ए टू टी माइनस ए टू टी आ गया है, तो ये कट गया ए टू टी और ए टू टी कट गया, है ना? वी का मान क्या आ गया हम लोग के पास, अंडर रूट ए टू का गुना यानी कि अंडर रूट ए वन ए टू इंटू टी, यही जो है इससे आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन में देख लीजिए। तो सॉरी हाँ, तो अंडर रूट ए वन ए टू इंटू टी जो है वो वी का मान आ गया, तो कौन सा बना, ठीक है? तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका आ गया, समझ में आया ये वाला सब, एस और यू मान के यहाँ पे टी मान के, ठीक है? तीन यहाँ पे जोड़ना था बी के टाइम में और यहाँ पे ए के टाइम में वी टू प्लस बी जोड़ना था, इस तरह से वी बराबर यू प्लस ए टी एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से ये वाला ये क्वेश्चंस थे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।